नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे स्कूल रिफ्यूज़ल के बारे में, जो बच्चों में मिलता है। क्या होता है कि काफ़ी बच्चे स्कूल में जाने से इनकार कर देते हैं, सडनली एकदम से बोलते हैं कि हमको स्कूल नहीं जाना है, या फिर कुछ बहाने देना शुरू करते हैं स्कूल जाने के वक्त। तो इसको हम बोलते हैं स्कूल रिफ्यूज़ल। माँ बाप क्या करते हैं कि उनको डांट के, पीट के या गुस्सा करके ज़बरदस्ती उनको स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चे बहुत बहुत ही नाजुक मन के होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये इश्यूज़ बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना ज़रूरी है। इसके एक्चुअली कारण क्या है वो जानना ज़रूरी है। जनरली जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली मुझे स्कूल नहीं जाना है ऐसा काफ़ी कम लोग हैं जो कहते हैं, वो कुछ बहाने देते हैं, जैसे मेरा पेट दुख रहा है, या फिर सर दुख रहा है, या फिर हाथ पैर में दर्द हो रहा है, या पॉटी लगी है, वो जाके वॉशरूम में बैठ जाएंगे एक एक दो दो घंटा तैयार होके, और फिर जैसा उनको समझेगा कि टाइम निकल गया है स्कूल का, फिर वो बाहर आएंगे और फिर वो बोलेंगे कि ठीक है अब मैं सोता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, तो हो जाएगा। और जैसे ही वो टाइम निकल गया कि वापस वो खेलने लगते हैं कि नेक्स्ट डे वही प्रॉब्लम उनमें दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ कुछ बहाने मारते हैं। कुछ बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके वो टीचर्स को बताते हैं कि नहीं मुझे सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और स्कूल में से परमिशन लेके घर आ जाते हैं। तो ये हमको जनरली रीजंस मिलते हैं, बच्चों की तरफ से कंप्लेंट्स मिलती है या बहाने मिलते हैं। अब एक्चुअली इसमें पेरेंट्स ने देखना चाहिए कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये बच्चे स्कूल जाने से मना कर रहे हैं या स्कूल रिफ्यूज़ल है। तो जनरल जो कॉजेज मुझे मिलते हैं बच्चों से बात करते समय, मैं आपको वो बताती हूँ कि क्या क्या कॉजेज होते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से मना करते हैं। अब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इससे भी और निराले कॉजेज आपको मिल सकते हैं, जनरल मैं आपको बता रही हूँ। उसमें से है कि बच्चा स्कूल में जैसे पढ़ाई नहीं समझ में आती। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं आता स्कूल में, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो अब ये इंटरेस्ट क्यों नहीं है ये जानना ज़रूरी है। किसी बच्चों में क्या होता है कि इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम होता है, यानी IQ, उसकी वजह से वो बच्चे मना करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या पढ़ाते हैं, पूरा सिर के ऊपर से जाता है, या उनको रिटेन नहीं होता है, या वो भूल जाते हैं, फिर टीचर डांटती है इसलिए उनको वो जाना नहीं होता है स्कूल में। ADHD के बच्चे होते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं उनको वो सहन नहीं होता है जो भी वो टीचर पढ़ा रही है, उनके दिमाग में नहीं जाता है और वो इंटरेस्ट नहीं आता है उनको। तो दूसरा यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता है, फ्रीडम चाहिए कामों में, या दिन भर का फ्रीडम चाहिए, तो इसकी वजह से वो फिर स्कूल में जाने से मना करते हैं। तो जैसे अपोजिशनल डिफाइंट वाले बच्चे होते हैं, मैंने अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर का एक अलग से वीडियो बनाया है, वो जनरली बच्चे डिसिप्लिन पसंद नहीं करते हैं, तो वो बच्चे फिर दिन भर मटरगश्ती करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, टाइम पास करेंगे, उनको वही अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को सेपरेशन एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता है, यानी पेरेंट्स से अलग रहना उनको पसंद नहीं, घर वालों से अलग रहना पसंद नहीं, उनको चाहिए होता है कि पेरेंट्स मेरे साथ स्कूल में आए बैठे, तो फिर उसकी वजह से भी वो मना करते हैं। कुछ लोगों को स्कूल में टीचर्स डांटते हैं, स्ट्रिक्टनेस, या फिर पढ़ाई के वाले होमवर्क नहीं किया होता है उसके लिए डांटते हैं, तो टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर वो आंसर नहीं आया तो, ऐसा ये इश्यूज होते हैं इसलिए वो स्कूल जाने से मना करते हैं। कुछ लोगों को पैनिक अटैक का इशू होता है, यानी कुछ तो भी टीचर ने डांट दिया और तब से उनको घबराहट होती है स्कूल जाते समय, या फिर स्कूल में जाकर वो टीचर को देख के, तो पैनिक अटैक का इशू होता है। एंग्जाइटी काफ़ी लोगों में होती है कि मुझे टीचर ने कुछ पूछ लिया, मुझे नहीं आया तो, या फिर मुझे डांट दिया तो, ये एंग्जाइटी इश्यूज बच्चों में होते हैं। डिप्रेशन काफ़ी बच्चों में होता है, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ये हमको कॉजेज उसमें मिलते हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते हैं, फिर बड़े बच्चे कुछ कमेंट पास कर दे, मजाक उड़ाए, या फिर बैचमेट्स कुछ मजाक उड़ाए तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको फ्रेंड्स नहीं होता है तो उनको लोनलीनेस लगता है स्कूल में, इसकी वजह से मना करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं
इसके साथ साथ ग्रुप वर्क करना है, या फिर क्लास में कोई पोयम बोलनी है, या फिर कोई स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है, कुछ टेस्ट है, तो वो उनको घबराहट होती है टेस्ट देने के लिए, इसलिए वो मना कर देते हैं स्कूल जाना। ऐसे काफ़ी रीजंस हमको मिलते हैं। अब इसके लिए एक्चुअल में पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जनरली मैंने जैसे कहा कि पेरेंट्स उनको डांट पीट के, गुस्सा करके, ज़बरदस्ती स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अलग असर भी बच्चों पे हो सकता है। बच्चों, जैसे मैंने कहा कि बच्चे प्रेजेंट कुछ और तरीके से होते हैं, तो एक्चुअल रीजंस वो बताने से पेरेंट्स को डरते हैं, तो इसमें ज़रूर आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प लो अगर वो रीजंस आपको पता नहीं चल रहे हैं तो, ताकि प्रोफेशनल हेल्प लेने से ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो। बच्चे क्या करते हैं कि 7-8 दिन मम्मी या पापा के सामने बहाने मार के वो टाइम पास करते हैं। धीरे धीरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ठीक है, आज जाएगा, कल जाएगा, ऐसे बोलते बोलते 1.5-2 महीना निकल जाता है और बच्चे वो फिर रूटीन से बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो बच्चे का रूटीन बना रहे और वो तकलीफ ना दे। जो भी रीजंस है, अगर साइकेट्रिस्ट के पास आप लेके जा रहे हो तो साइकेट्रिस्ट तो एनालाइज करेंगे ही करेंगे। अगर IQ का प्रॉब्लम है, या लर्निंग डिसेबिलिटी है, या ADHD का प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से टेस्ट करके हमको पता चल सकता है कि क्या इश्यूज है, या फिर अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या पैनिक है, फोबिया है, स्कूल का डर लगता है, तो ये भी इश्यूज़ साइकेट्रिस्ट एड्रेस करेंगे। अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो बिल्कुल मेडिसिन देंगे। बच्चा अगर टीचर से डर रहा है, या पढ़ाई से डर रहा है बिना वजह, या फिर वो स्कूल एटमॉस्फेयर से डर रहा है, टेस्ट से डर रहा है, और सेपरेशन एंजाइटी अगर है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ स्कूल में जाना चाहिए, उनके प्रिंसिपल से बात करना चाहिए, टीचर से बात करना चाहिए, कि अगर टीचर से डर रहा है तो कि उनके सामने अगर फ्रेंडली नेचर में बात किया जाए तो शायद बच्चों को लगे कि ठीक है, मेरी मम्मी की फ्रेंड है वो, या मेरे से अच्छे से बर्ताव कर रही है, तो वो धीरे धीरे उनका जो डर है वो निकल जाएगा। पेरेंट्स ने बैठना चाहिए क्लास में, या फिर स्कूल के बाहर या क्लास के बाहर कुछ दिनों के लिए, ताकि जब तक बच्चे एडजस्ट ना हो, इसको बोलते हैं री इंट्रोडक्शन टू स्कूल, यानी बच्चे धीरे धीरे वापस उनको स्कूल में एडजस्ट करना, ताकि वो उनका डर जो बैठा है स्कूल न जाने का वो निकल जाए। ये थी कुछ चीज़ें जिससे आपका बच्चे का स्कूल रिफ्यूज़ल हैंडल कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केड़कर तुअणकर साइकेट्री नर्सिंग होम के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9503309619। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँचे। नमस्ते।